देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि अनिल मिक्स कर रहा है कोकोआ और शुगर को 3:2 रेशियो में टू प्रिपेयर मिक्सचर ए, मतलब मिक्सचर ए उसने बनाया हुआ है. मतलब इफ ही मिक्सेस 3 kg ऑफ कोकोआ देन ही शुड आल्सो मिक्स 2 kg ऑफ शुगर. ये हमें गिवन है. फिर हमें गिवन है कि उसने कॉफी और शुगर को मिक्स किया 7:3 रेशियो, मतलब 7 kg अगर कॉफी डाल दिया तो 3 kg उसमें साथ में शुगर डालिए और इससे मिक्सचर उसका बी बन रहा है. फिर गिवन है ही मिक्सेस ए एंड बी इन द रेशियो 2:3, मतलब अगर इसके 2 हिस्से डालेगा इसके 3 हिस्से डालेगा तो पहली बात इन दोनों को इक्वल होना चाहिए. इसकी वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू 10 है. ठीक है, 7 + 3 = 10, 5 + 2 = 3 + 2 = 5. तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बन जाएगा. तो ये कितना बन जाएगा, 6:4, और ये 7:3 रहेगा. अब दोनों की वैल्यू 10 है, ये सही है. अब इसके वो 2 हिस्से डालेगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, मतलब ये 6 2 = 12 और ये 4 2 = 8. इसके वो 3 हिस्से डाल रहे हैं तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, 7 3 = 21 और 3 3 = 9. अब हमसे बोला क्या जा रहा है, उसने इन दोनों को मिक्स किया और मिक्सचर सी बना दिया है. ठीक है, अच्छा इन दोनों को मिक्स किया, ही कंबाइंस ए एंड बी टू मेक अ मिक्सचर सी, मतलब इन दोनों को मिक्स करके उसने मिक्सचर सी बनाया. ये हमारा कॉफी था, ये हमारा शुगर नहीं, ये हमारा कोकोआ था, ये हमारा शुगर था, ये हमारा कॉफी था और ये हमारा शुगर था. तो जब इन सबको मिक्स करके जब सी बनेगा तो सी में क्या होगा, कॉफी कितना होगा, कॉफी का रेशियो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा. फिर अपना सॉरी सॉरी कॉफी का 12 नहीं होगा, कॉफी का 12 नहीं होगा, अपना कॉफी का कितना है, कॉफी का 21 ही रहेगा और कोकोआ का 12 है, कोकोआ का 12 है और शुगर का लास्ट कितना हो जाएगा, शुगर तो ऐड हो जाएगा, 8 + 9 = 17 हो जाएगा. अब इसमें क्या बोला गया, इफ ही मिक्सेस सी विद एन इक्वल अमाउंट ऑफ मिल्क टू मेक अ ड्रिंक. ठीक है, इसमें उसने इक्वल अमाउंट ऑफ मिल्क डाल दिया. अच्छा टोटल है कितना है इसका, पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका टोटल कितना है, 20 + 10 = 30 + 10 = 40 40 49 50. तो इसका टोटल है 50 और उसने इतना ही उसमें मिल्क डाल दिया. ठीक है, 50 का मिल्क डाल दिया. देन द परसेंटेज ऑफ शुगर इन दिस ड्रिंक वुड बी, अच्छा शुगर की पूछा है ना, तो शुगर फिर कितना हो जाएगा, 17 है और पहले से 50 था और 50, तो टोटल कितना हो गया, 100 हो गया. तो हमें उसकी वैल्यू निकालनी थी, परसेंटेज टोटल की वैल्यू कितनी हो गई, 100 हो गई है ना, तो ये कैंसिल होगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17, मतलब 17% इसमें शुगर होगा इस ड्रिंक में, ये इसका आंसर हो जाएगा.